अगर आप गूगल क्रोम का आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि कोई भी वीडियो डाउनलोड हो या फिर म्यूजिक डाउनलोड या फिर कोई भी फोटो डाउनलोड हो, तो आप गूगल क्रोम का ही आप यूज़ करते हो। तो अगर आप 4-5 दिन या फिर 3-4 महीने से या फिर इससे ऊपर से आप जो गूगल क्रोम है इसे अपडेट नहीं कर रहे हो और अभी आपके पास अपडेट शो कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको गूगल क्रोम को अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको गूगल क्रोम को आपको अपडेट क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी या फिर आप मोबाइल ऐप रिव्यू या फिर अर्न मनी के रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास पे आ रहा घंटे को दबाइए ताकि आप वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो देखिए, अगर आप गूगल क्रोम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर आप म्यूज़िक या फिर वीडियो या फिर कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो या फिर आप कुछ भी काम करते हो, तो आप गूगल क्रोम का ही आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप पीसी यूज़ करते हो या फिर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हो, तो अगर आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर या फिर आप के पीसी के अंदर गूगल क्रोम अगर अपडेट शो कर रहा है, तो आपको अपडेट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने जो अभी अभी सुना ये पूरा सच है। ये जो प्रॉब्लम है ज्यादातर पीसी के साथ यानी कंप्यूटर के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम अपडेट दिखा रहा है, अगर आप अपडेट करने जाते हो, तो जैसे आप अपडेट कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके सिस्टम के आपका जो सिस्टम है वो पूरा ही क्रैश हो जाता है और आपका जो पर्सनल डाटा है वो मतलब थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास पीसी है या फिर आपके आप पीसी यूज़ करते हो, तो ये जो चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके पास अपडेट शो कर रहा है तो आप इसे अपडेट ना करें। कुछ दिन जाने के बाद जब ये गूगल क्रोम टोटली काम करना बंद कर देगा, तो आप चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो, और अभी कुछ दिन और वेट कीजिए, जब ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा सॉल्व हो जाता है, तो आप इसे अपडेट कर सकते हो। तो आप बात करते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन की। तो देखिए, अगर आपके स्मार्टफोन पर गूगल क्रोम अपडेट दिखा रहा है, शो हो रहा है, तो आप गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद उसे प्ले स्टोर से ही आप इसे अपडेट कीजिए। अगर आप किसी अदर साइट से अगर आप इसे अपडेट करते हो, तो हो सकता है इसके अंदर आपके फोन के अंदर या फिर इस ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, जिससे कि मालवेयर आ सकता है। तो आज के लिए बस इतने, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समय शुभ हो।